students, this is the second video of first chapter introduction to biology. First video में मैंने आपको branches of biology बताए थे. इसमें हम biology and other sciences यानी biology का other branches of sciences से क्या ताल्लुक है सही और information provided by biology और हमें inform क्या क्या information मिलती है biology से वो हम इस video में पढ़ेंगे. सबसे पहले है biology and branches of other sciences. इसमें सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री. बायो आपको पता है लाइफ में कहते हैं केमिस्ट्री केमिकल यानी हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. आपने जो है वो क्लास में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है डाइजेशन का प्रोसेस. हमने उसमें पढ़ा कि हमारे स्टमक में केमिकल होता है जिसे हम HCl कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक कहते हैं. तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स वर्क कर रहे हैं. वो किस तरह से कर रहे हैं क्या उनके फंक्शन होते हैं वो हम किस में पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में. सही है. देन है हमारे पास बायोफिजिक्स. फिजिक्स इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट उसमें वो पढ़ते हैं यानी लिविंग थिंग्स के अंदर तमाम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट. फॉर एग्जांपल जो है हमें जो है कोई मेजरमेंट लेना है हाइट की मेजर करनी है तो ये क्या है हाइट की मेजरमेंट क्या है वो बायोफिजिक्स में आ गई यानी लिविंग थिंग के मेजरमेंट्स वगैरह के हिसाब से जो हम साइंस पढ़ते हैं वो बायोफिजिक्स कहलाती है. अच्छा नेक्स्ट जो हमारा थर्ड ब्रांच है वो है रेडियो फिजिक्स यानी फिजिक्स से ही रिलेटेड है लेकिन यहाँ पे क्या है रेडियो. रेडियो यहाँ पे जो है वेव्स को कहते हैं आइसोटोप्स को कहते हैं जिसमें जो है हम वो वाली मशीन इस्तेमाल करें जिससे रे निकली हो. फॉर एग्जाम्पल हम एक्सरे मशीन यूज करते हैं तो रेज है उसके अंदर या फिर जो है हम अल्ट्रासाउंड मशीन है तो ये तमाम किस में आती है रेडियो फिजिक्स में आती है लेकिन वो किसके लिए इस्तेमाल हो रही है हमारे लिए यानी बायोलॉजी में इस्तेमाल हो रही है. तो इस वजह से ये भी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो हम बायोलॉजी से रिलेट करते हैं. उसके बाद है बायोमेट्री. मैट्रिक वर्ड यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है मैथ्स के लिए. अब मैथ और बायोलॉजी का क्या ताल्लुक है. अब फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है वो अपनी एज कैलकुलेट करना है तो ये मैथ्स है. इसी तरह मुझे जो है अब मुझे काउंट करने हैं कि कितने इस ट्री पे इतने एप्पल्स ग्रो करें तो ये भी कैलकुलेशन होती है. या मैंने कल आपको जो है एक ब्रांच ऑफ साइंस बताया था पैलियोलॉजी जिसमें मैंने आपको फॉसिल्स का जिक्र करा था कि डायनासोर थे तो वो कितने साल पहले के फॉसिल्स हैं तो ये भी मैथ है कैलकुलेशन है. तो हम इस ब्रांच ऑफ साइंस में तमाम कैलकुलेशन का हिसाब जो है वो बायोमेट्री में करते हैं. उसके बाद है बिहेवियर बायोलॉजी. बिहेवियर बायोलॉजी क्या है यानी बिहेवियर कैसा है लिविंग थिंग का दूसरे के साथ तो वो हम जो है वो अच्छा बिहेवियर एंड सोशियोलॉजी ये दो ऑलमोस्ट सेम है लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है. बिहेवियर पूरे एनवायरनमेंट के साथ होता है यानी उनके एनवायरनमेंट में भी उनका कैसा बिहेवियर है क्या है लेकिन सोशियोलॉजी जो है वो सिर्फ एनिमल्स टू एनिमल्स या प्लांट्स टू प्लांट्स बिहेवियर देखा जाता है. तो बिहेवियर बायोलॉजी और सोशियोलॉजी थोड़ा सा सिमिलर है लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है बिहेवियर पूरे एनवायरनमेंट के साथ देखा जाता है और सोशियोलॉजी जो है वो सिर्फ एनिमल्स टू एनिमल्स या प्लांट टू प्लांट उनका बिहेवियर चेक किया जाता है. तो ये दो ब्रांच है. तो ये हमारे टॉपिक बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस यहाँ पे कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बायोलॉजी. बायोलॉजी हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देती है सही है. आपकी बुक में ये टॉपिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से पहले है लेकिन मैं बाद में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ ताकि आपको जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है उससे आपकी ईजिली समझ में आ जाएगा. सबसे पहले है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. हमें बायोलॉजी क्या बताता है कि हमारे आसपास कितनी वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की. ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं बेटा जितने भी लिविंग थिंग हैं उनको हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जिनके अंदर ऑर्गेन होते हैं. तमाम लिविंग थिंग के अंदर ऑर्गेन तमाम वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास प्लांट हैं एनिमल्स उनमें कितने वैरायटी है तो बायोलॉजी हमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बताता है. सेकेंड है हमारे पास एग्जिस्टिंग एंड एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म. एग्जिस्टिंग यानी अभी कौन से एनिमल्स मौजूद हैं एंड एक्सटिंक्ट यानी कौन से एनिमल पहले थे जो अब नहीं है. तो हमें ये बात कौन बताता है बायोलॉजी ही बताता है कि अभी कौन से एनिमल लिविंग है अभी
अभी कौन से मौजूद है और पुराने जमाने में कौन से थे जो अब खत्म हो गए, तो ये तमाम हमें कौन प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, बायोलॉजी करता है। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। हमने कल ब्रांच ऑफ साइंस पढ़ी थी, इसमें था टैक्सोनॉमी, तो हम बायोलॉजी हमें आइडेंटिफाई करने में, यानी फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है कि हमारे अंदर है हाथ है पांव है लेकिन प्लांट के अंदर नहीं है, तो हमें आइडेंटिफाई और उसमें क्लासिफिकेशन उनमें डिफरेंशिएट करना भी हमें बायोलॉजी ही सिखा रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमें स्ट्रक्चर देख के उसके फंक्शन हर ऑर्गन का, फॉर एग्जाम्पल मैं हमारी बॉडी के अंदर आईज भी है नोज भी है माउथ भी है सब एक ही जगह है लेकिन सबके फंक्शन अलग अलग है, तो ये तमाम हर किसी का स्ट्रक्चर के हिसाब से उनका फंक्शन बताना, ये भी कौन हमें इंफॉर्मेशन देता है, बायोलॉजी ही बताता है। उसके बाद है इनहेरिटेंस, यानी हमारा जीन कहाँ से इनहेरिट हुआ है, कहाँ से आया है, कहाँ से हमारी बॉडी बनना स्टार्ट हुई है, वो तमाम बातें इनहेरिटेंस में आती है, ये भी हमें बायोलॉजी बताता है। देन है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। कल हमने ब्रांच ऑफ साइंस पढ़ी थी एनवायरमेंटल बायोलॉजी, तो उसके अंदर भी हमने क्या पढ़ा था कि इन्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनिज्म के क्या ताल्लुक है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिश की बात करूँ तो फिश को अगर मैं यहाँ पर लाऊँ वो तो मर जाएगी, बगैर पानी के मर जाएगी, तो उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स किस तरह सर्वाइव करते हैं, तो ये रिलेशनशिप उनके दरमियान में जो ताल्लुक है इन्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स के, वो भी हमें तमाम इंफॉर्मेशन बायोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। और नंबर लास्ट इफेक्ट, यानी इन तमाम चीज़ों का हमारे इन्वायरमेंट में हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये भी हमें बायोलॉजी इंफॉर्मेशन देता है। सही है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें बायोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है मैंने यहाँ पे लिखा था सिर्फ कुरानी वर्सेस। कुरानी वर्सेस बेटा आपके बुक में मौजूद है, उनको उसमें कुछ समझाने की नहीं है, वो सिर्फ कुरान की कुछ आयात की ट्रांसलेशन है जो आपको बताई गई है, हमारे बायोलॉजी से हमारी लाइफ से उनका क्या ताल्लुक है वो बताया गया है। अच्छा, ये मैंने कल आपको बताया था कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है वो किस तरह पेपर में आते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये वाला क्वेश्चन यानी अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इनकी सिर्फ डेफिनेशन आती है। सही है, ये ऐसा अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको बोलेंगे डिफाइन बायोकेमिस्ट्री डिफाइन बायोफिजिक्स, तो आपको फिर भी डेफिनेशन के तौर पर आएंगे। नेक्स्ट ये टॉपिक जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बायोलॉजी, ये ऐसा अभी तक मैंने 5 ईयर्स में नहीं देखा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आ सकते हैं, तो आपको ये भी अच्छी तरीके से इसकी प्रिपरेशन करना, हो सकता है इस ईयर वो दे दें आपको क्वेश्चन, लेकिन ये कुरानी वर्सेस जो है ये आपके पेपर्स में आनी है, तो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगी, आप उससे अच्छी तरीके से उसको मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कुरानी वर्सेस राइट 3 कुरानी वर्सेस या राइट 5 कुरानी वर्सेस अबाउट बायोलॉजी, तो आपके पास ये क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए कोई ऐसा मटीरियल नहीं था, सिर्फ ट्रांसलेशन है कुरान की, इस वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको गाइड करने के लिए बताया। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।